हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक अपडेट निकल कर आया है तेजस मार्क 2 को लेकर, जहां पर इंडिया की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है वो एरडा प्रोजेक्ट तेजस मार्क 2 के लिए फाइनेंशियल सैंक्शन को ग्रांट करेगी, जिसके अंतर्गत प्रोटोटाइप्स बनाए जाएंगे और उसकी टेस्टिंग करी जाएगी। तो ये जो अमाउंट है ये अराउंड 10,000 करोड़ के आसपास की होगी, जो कि डॉलर्स में 1.25 बिलियन डॉलर्स होगा। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि आमका के जो फंड्स हैं वो पहले रिलीज़ कर दिए गए थे, पर तेजस मार्क 2 के लिए जो फंड्स हैं उनको रिलीज़ नहीं किया गया था। तो बीच में कुछ स्पेकुलेशंस ये चल रहे थे कि गवर्नमेंट और एयरफोर्स जो है वो तेजस मार्क 2 को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं है और आमका पर जो मेन फोकस है उसको रखा गया है। पर पिछले कुछ महीनों से ये जो स्पेकुलेशंस थे इनको गलत साबित किया जा रहा है। पहले एयरफोर्स ने कमिटमेंट दिखाया तेजस मार्क 2 के प्रोक्योरमेंट को लेकर, उसके बाद गवर्नमेंट द्वारा जो फंड्स हैं उनको रिलीज़ किया जा रहा है। पर ये जो न्यूज़ ब्रेक करी गई इसके साथ कुछ और अपडेट्स दिए गए जो कि हमारे हिसाब से थोड़े मिसलीडिंग है। इनको हम करेक्ट करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एक्चुअल टाइमलाइन यहाँ पर हो सकती है, लेकिन इसके पहले हम एक छोटा सा मैसेज देख लेते हैं। तो अनअकैडमी का जो अनलॉक 20 ऑफर है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है और अब ये 31 अगस्त तक वैलिड है। अनलॉक 20 ऑफर के अंतर्गत अगर आप अनअकैडमी के कोई भी कोर्सेज लेते हैं, चाहे वो प्लस हो चाहे वो आइकॉनिक हो, इसमें आपको सीधे सीधे 20% डिस्काउंट मिलेगा हमारा रेफरल कोड मैट्रिक्स 10 यूज़ करने पर। तो इस ऑफर के अंतर्गत आप अनअकैडमी के कोई भी कोर्स को चूज़ कर सकते हैं, चाहे वो NDA का हो, CDS का हो, FCAT का हो, नेवी का हो, SSB का हो या फिर CAPF का ही क्यों ना हो। साथ ही साथ आप कोई और भी कोर्स यहाँ पर चूज कर सकते हैं। बाकी अनअकैडमी द्वारा NDA के साथ साथ CDS और FCAT के लिए कॉस्ट इफेक्टिव कोर्सेज को भी शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत अनअकैडमी लाइट, NDA और CDS FCAT दोनों मौजूद हैं, जिसमें आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन खाली 319 रुपये में मिलता है। तो इसको भी सब्सक्राइब करने के लिए आप हमारा रेफरल कोड मैट्रिक्स 10 यूज़ कर सकते हैं। लाइट सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको फ्री लाइव क्लासेस मिलती हैं, प्रैक्टिस सेक्शन मिलते हैं, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलती है, साथ ही साथ सेक्शनल और PYQ टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाती है। तो सारे लिंक्स आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है ये फंड्स को क्लियर करेगी तेजस मार्क 2 के डेवलपमेंट को लेकर। तो ऑफिशियली जो तेजस मार्क 2 का डेवलपमेंट है वो फंड्स क्लियर होने के बाद ही चालू होना चाहिए। और इसी चीज़ को लेकर जो बिजनेस स्टैंडर्ड के अजय शुक्ला हैं, उन्होंने ये एस्टिमेट किया कि जो तेजस मार्क 2 है इसका रोल आउट आने वाले 2 सालों में होगा, उसके बाद रोल आउट के 1 साल बाद फर्स्ट फ्लाइट होगी और 5 साल तक इसकी टेस्टिंग चलेगी। तो तेजस मार्क 2 जो है वो ऑपरेशनली अवेलेबल 2030 से पहले नहीं होगा। तो अगर हम फंड्स के क्लियर होने के बाद डेवलपमेंट को मानकर चलें और उस लॉजिक से ये टाइम पीरियड देखें तो ये सही रहता है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। तेजस मार्क 2 का जो पहला प्रोटोटाइप है इसको पहले ही बनाया जा रहा है और इसका रोल आउट जो है वो इस साल के अंत तक या फिर अगले साल के फर्स्ट हाफ में हो जाएगा। और जहाँ तक चीज़ें एस्टिमेट करी जा रही हैं, ऐसा लगता है कि एरो इंडिया 2023 में तेजस मार्क 2 को डिस्प्ले भी किया जाएगा और इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2023 के अंत तक या फिर 2024 में। बाकी कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही थी कि यहाँ पर खाली 2 ही प्रोटोटाइप बनने हैं और जो टेस्टिंग है वो करी जानी है, और जो टेस्टिंग पीरियड है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं रखा जाएगा, ये 3 से 4 साल तक का होगा। तो यहाँ पर हम सेफली कह सकते हैं कि जो सर्विस इंडक्शन है वो 2027-28 तक होने की संभावनाएं हैं, जो कि एक्चुअली काफ़ी डिसेंट टाइमलाइन है। और 2030 तक मामला जो है वो नहीं खिंचेगा। 2030 तक हम आमका के इंडक्शन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसका रोल आउट जो है वो 2024 में प्लान किया गया है और जो फर्स्ट फ्लाइट है वो 2025 तक हो जाएगी। उसके बाद जो 5 साल का पीरियड है वो सर्टिफिकेशन पीरियड होगा और 2030 तक इसका सर्विस इंडक्शन जो है वो हो पाएगा। तेजस मार्क 2 का जो केस है वो थोड़ा डिफरेंट है। आमका एक 5th जनरेशन फाइटर है जिसको पहली बार इंडिया द्वारा डेवलप किया जा रहा है, तो यहाँ पर डिफरेंट पैरामीटर्स हैं टेस्टिंग के, तो टाइम जो है वो ज़्यादा लगना ही है। वहीं पर हम तेजस मार्क 2 की बात करें तो ये तेजस का ही एक एनहेंस्ड वर्जन है, जिसकी वजह से जो टेस्टिंग पीरियड है उसमें हमें शॉर्टकट मिल जाता है और थोड़ा टाइम वहाँ पर हम सेव कर सकते हैं। बाकी जो तेजस मार्क 2 का पहला प्रोटोटाइप है इसका डेवलपमेंट चल रहा है, इसके कई सबूत मौजूद हैं। जो कई कंपोनेंट्स तेजस मार्क 2 में लगने हैं इसको लेकर जो टेंडर्स हैं वो काफ़ी समय से निकलते आ रहे हैं। ऑल दो ये चीज़ हम ज़रूर कहेंगे कि यहाँ पर थोड़ी सी डिले हुई है। पहले कहा जा रहा था कि तेजस मार्क 2 का जो पहला प्रोटोटाइप है इसे 15 अगस्त को रोल आउट कर दिया जाएगा, लेकिन अब टाइमलाइन को यहाँ पर थोड़ा सा पुश किया गया है और ये इस साल के अंत तक या फिर अगले साल के पहले हाफ में हो जाएगा। और ये गोल यहाँ पर रखा गया है कि किसी भी हालत में एरो इंडिया 2023 में कम से कम स्टैटिक डिस्प्ले में तेजस मार्क 2 को शोकेस किया जाए।
तो तेजस मार्क 2 का जो प्रोक्योरमेंट है वो इंडियन एयरफोर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तेजस मार्क 2 के इंडक्शन के बाद ही जो मिराजेस और MiG-29 हैं इनका फेज़ आउट चालू होगा। और अगर हम हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट्स की माने तो MiG-29 का जो फेज़ आउट पीरियड है उसको 2027 से स्टार्ट होना है, तो ये बिल्कुल तेजस मार्क 2 के सर्विस इंडक्शन की टाइमलाइन के आसपास है। ये चीज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तेजस मार्क 2 से ही MiG-29 UPG का फेज़ आउट जो है वो किया जाए, एज अ रिप्लेसमेंट यहाँ पर तेजस मार्क 2 को यूज़ किया जाए। बाकी बात करें मिराज 2000 की, तो मिराज 2000 को लेकर ये माना जा रहा है कि ये 2035 से ही सर्विस से बाहर जाना चालू होंगे और इन्हें शायद आमका मार्क 2 से रिप्लेस किया जाए। तो जो इंडिजिनस प्रोजेक्ट चल रहे हैं इनकी सर्विस इंडक्शन की टाइमलाइन को देखें तो काफ़ी स्मूथ जो है वो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन जो MRFA कॉम्पिटिशन है उसे समय पर कंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी सर्विस में जो एयरक्राफ्ट है इन्हें हमें खाली रिप्लेस नहीं करना है, जो पहले से हमने एयरक्राफ्ट को फेज़ आउट किया है उनके रिप्लेसमेंट अभी तक हमारे पास नहीं है, जो कि MRFA के थ्रू ही हमें मिलेंगे। तो हमें स्क्वाडन संख्या को 30 तक नहीं रखना है, कम से कम 15 सालों में 35 तक पहुंचाना है, जिसके लिए MRFA का समय पर एग्जीक्यूट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियर हो। इसी बात पर हम इस अपडेट वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।